हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नया फैन फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है आफ्टर वन किस। यह एक ईजेन फैन फिक्शन है। यह आपको बैटपैट पर भी मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस कहानी के पात्रों से मिलाती हूँ। साउजन जो एक 24 साल का मेहनती लड़का है जो अपनी जीविका चलाने के लिए 3 जगह जॉब करता है। वह एक म्यूजियम में जॉब करता है, पार्ट टाइम वह एक स्टेशनरी शॉप पर काम करता है और रात के वक्त वह न्यूज़पेपर और ब्रोशर डिलीवर करता है। साउजन की एक बड़ी बहन है जिसका नाम साउमीन है। वह 30 साल की है और मैरिड है। वह अपने पति और 2 बच्चों के साथ USA में रहती है। साउजन के माता पिता अपने परिजनों के साथ गांव में रहते हैं और कपड़े और खाने का व्यापार करते हैं। साउजन की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम फी यू है, उसे यू भी कहते हैं। वह दोनों एक दूसरे के साथ 2 साल से हैं मगर अब वह रिश्ता टूटने लगा है। बांगी वो जो एक 24 साल का अमीर लड़का है जो एक बहुत फेमस मॉडल एजेंसी में एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत मॉडल के रूप में काम कर रहा है। इवो ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता, इसलिए लोग उसे अमीर माँ बाप की घमंडी और बिगड़ा लड़का कहते हैं। इवो का कोई दोस्त भी नहीं है। इवो का एक बड़ा भाई है जिसका नाम वांग हेक्वान है, जिसकी एज 28 साल है और वह अनमैरिड है। वह अपने पेरेंट्स की कंपनी में सेकंड CEO की पोस्ट पर है। उसका भी कोई दोस्त नहीं है। वह अपने फ्रेंडली और हेल्पफुल नेचर के लिए जाना जाता है। उसकी लाइफ में कुछ कमी है तो केवल प्यार की। इवो के पेरेंट्स की कंपनी शहर के जाने मानी कंपनियों में से एक है। इवो और हेक्वान दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। हेक्वान हमेशा अपने परिवार के साथ रहता है क्योंकि उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि इवो एक मॉडल बने, इसलिए वे दोनों अक्सर झगड़ा करते रहते हैं। वैसे तो दोनों भाई एक दूसरे के विश्वास में रहते हैं मगर फिर भी एक राज है जो उन दोनों ने एक दूसरे से छिपाए हुए है, और वह कौन सा राज है उसके लिए आपको स्टोरी पूरी सुननी पड़ेगी। और अगर हम टॉप और बॉटम की बात करें तो ऑथर ने एक अलग ही विवरण दिया है जो मुझे भी काफ़ी पसंद आया। ऑथर ने अपनी अपनी जगह दोनों को टॉप में रखा है। अगर प्रेम प्रसंगों का विवरण करें तो इवो टॉप पर है और जान बॉटम में। लेकिन अगर लेखक के नज़रिए से देखो और एक पढ़ने वाले की तरह देखो तो जान टॉप पर है। वैसे आप समझ गए होंगे कि यह एक बॉटम जान FF है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें साउजन दिखाया जाता है जो खुद से ही बातें कर रहा था और कह रहा था, मुझे ऑटम सीजन बहुत पसंद है क्योंकि जब ताज़ा हवा चलती है और रंग बिरंगे पत्ते झड़ जाते हैं, सर्दियों में पेड़ों पर फिर से हरे भरे पत्ते आ जाते हैं, फूल खिलते हैं और हमें ताज़ा फल भी देते हैं। वैसे मैं गर्मी के बारे में भी बातें कर सकता हूँ मगर सर्दी मुझे ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे बरसात के मौसम में जब ठंडी हवा चलती है तो मुझे चिमनी के सामने बैठना भी बहुत पसंद है। वैसे मेरे पास कोई चिमनी नहीं है मगर मैं सोच तो सकता हूँ ना। सर्दी का मौसम हमें एक दूसरे के करीब लाता है। सर्दियों के मौसम से मुझे बचपन की याद आती है जब पिताजी कमरे को आरामदायक बना देते थे और हम सब एक कंबल में बैठकर टीवी देखते थे और पढ़ाई करते थे। मैं पढ़ने के लिए अपने छोटे से गांव से शहर जाया करता था। अब मेरे पेरेंट्स ने अपना घर बेच दिया और अपने रिश्तेदारों के साथ रहने चले गए। मैं एक अधूरी बनी बिल्डिंग में 2 छोटे छोटे कमरों के फ्लैट में रहता हूँ। यह बिल्डिंग अभी बन रही है। यहाँ का रेंट कम है इसीलिए मैंने इसे रेंट पर लिया है मगर कम किराया देने का कारण मुझे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। यहाँ बार बार बिजली चली जाती है, टेलीफोन का नेटवर्क भी बार बार टूट जाता है और हीटर तो काम ही नहीं करते। और घर के सामने कचरा जिसे उठाने वाला शायद हफ्ते में एक बार ही आता है, जब तक कचरे की बदबू भयानक बदबू पूरे घर में ना आने लगे। और उस पे रहस्य में किराएदार जिनसे बातें करना समझो अपनी जान को खतरे में डालना। मेरी गर्लफ्रेंड जो मुझ पे कभी भी विश्वास नहीं करती, जिसे हमेशा लगता है कि मैं उससे कुछ छुपा रहा हूँ। लेकिन एक दिन बड़े झगड़े के बाद मैं उसे अपने घर ले आया। आप यकीन नहीं करोगे कि वह अभी तक सदमे में है। उसका कहना है अगर मैं उसे मिलना चाहता हूँ तो मुझे अपने लिए एक अच्छा घर लेना होगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की
म्यूजियम में एक छोटी सी नौकरी करने वाला एक बड़ा और अच्छा फ्लैट नहीं खरीद सकता। मुझे आश्चर्य होता है, मैंने पहले ही उसे अपने रिश्ते क्यों नहीं ख़त्म कर दिए। मैं 2 साल से उसे प्यार करता हूँ, मगर अब लगता है मैंने गलत इंसान से प्यार किया है। लेकिन जब मैं उस समय के बारे में सोचता हूँ जब मैंने उसे पहली बार देखा था, मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद, वह एक गर्मी का दिन था जब मैंने उसे पहली बार देखा था। उसने एक येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, उसके बाल हवा में चारों तरफ लहरा रहे थे और मुझे उसे देखते ही उससे प्यार हो गया और जल्द ही हम एक दूसरे से बातें करने लगे। मगर अब 2 साल बाद उसका प्यार मेरे लिए कम होने लगा है और मेरे दिल में भी उसके प्रति भावनाएं चेंज होने लगी हैं। एक अच्छा अपार्टमेंट लेने के लिए जान को 3 जॉब करनी पड़ रही हैं, मगर उसे भी यही लगता है कि 3 जॉब करने के बाद भी वह एक अच्छा अपार्टमेंट अरेंज नहीं कर सकता। जान सोच रहा था कि शायद उसका पेंटर बनने का डिसीजन गलत है, मुझे अपने माता पिता के कहे अनुसार डॉक्टर या वकील बनना चाहिए था, मगर मुझे हमेशा से ही पेंटिंग में रुचि रही है। एक पेंटर बनने का सपना मुझे इस बदबूदार जगह में ले आया। मुझे लगता था कि 24 साल की उम्र तक मैं एक अच्छा और प्रसिद्ध पेंटर बन जाऊंगा, मगर मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से नहीं हूं जिनके सपने आसानी से पूरे हो जाते हैं। एक दिन जान ने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर बुलाया, जहां वह अपने 3 दोस्तों के साथ आई। उसने पास की बिल्डिंग में एक बोर्ड लगा देखा जहां एक अच्छे फ्लैट में किराएदार की ज़रूरत थी। जान की गर्लफ्रेंड ने उसे वहां जाकर बात करने की जिद की, तो जान ने जाने का फैसला किया। जब जान ने किराएदार का गेट खटखटाया तो किसी ने गेट खोला और जान की तरफ देखा, अपना सिर हिलाया और फिर से गेट बंद कर दिया। जान बिना दोबारा कोशिश करे वहाँ से जाने वाला था, तभी उसने देखा लिफ्ट से एक किराएदार निकला जिसने पहले जान को नीचे से ऊपर तक देखा और फिर पूछना चाहता था कि वह यहाँ क्या कर रहा है, मगर जान ने उसे बिना पूछे ही जवाब दिया, मैंने नीचे नोटिस बोर्ड देखा था और यहाँ चला आया। लेकिन वह व्यक्ति जान पर हंसने लगा और बोलने लगा, यहाँ आपका कोई चांस नहीं है, आप बेशक अच्छे दिखते हैं मगर शर्त लगा लो कि आप यहाँ का रेंट नहीं दे पाएंगे। यहाँ का रेंट तुम्हारे फ्री रूम से कहीं ज़्यादा अधिक है, जिसे तुम ज़्यादा समय तक नहीं दे पाओगे। एरोगेंट बास्टर्ड ईवो, वह मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकता है, वह खुद को समझता क्या है। जान यह सारी बातें अपनी गर्लफ्रेंड को बता रहा था, मगर जान की बातें सुनकर उसकी आँखें आश्चर्य से खुली रह गई। तुमने सचमुच ईवो से बात की? क्या तुमने वास्तव में उसे देखा? क्या वह सच में इतना सुंदर ही दिखता है जैसा वह मैगजीन में दिखता है? जान सोचने लगा, वह एक टॉप मॉडल है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने मेरे बारे में क्या बोला, और वैसे भी मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लड़कियां उसके कदमों पर गिरती हैं और मुझे पूरा यकीन है अगर उसने मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ एक इशारा भी कर दिया तो वह मुझे छोड़कर उसके पास चली जाएगी। ही रियली लुक फैंटेस्टिक, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा? बट ही सो फनी, लोग एक गलत करेक्टर को भी अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वह इंसान हैंडसम है। जान जब अपने घर पहुंचा तो वह अपने लैपटॉप पर ईवो को सर्च करने लगा। वह एक बहुत ही फेमस मॉडल है और एक अमीर घर का लड़का जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत पोलाइट, डिसेंट एंड रिस्पेक्टफुल पर्सन है। यह पढ़कर जान लाउडली हंसने लगा, जैसे उसने कोई जोक पढ़ लिया हो। और फिर आगे पढ़ते हुए, वह अपनी बाइक से बहुत प्यार करता है और रेगुलर गर्लफ्रेंड चेंज करता रहता है। बाद वाली बात से साउजन पूरी तरह सहमत था, मगर फिर साउजन सोचने लगा, आखिर मैं उसे नेट पर क्यों सर्च कर रहा हूँ? मुझे इस डंकी से क्या लेना? मुझे इस डंकी की क्या परवाह? मेरी ज़िंदगी में और भी काफ़ी परेशानियाँ हैं जो मैं एक मॉडल की परेशानी भी ले लूँ। जान ने ईवो की फ़ाइल बंद करके अपने माता पिता को ईमेल भेजा, क्योंकि वह उन्हें फ़ोन नहीं कर सकता था क्योंकि सिग्नल फिर से डाउन हो गए थे। ठंडी तूफानी रात थी, तेज तेज हवाएं चल रही थी। लकीली उस दिन बारिश नहीं हो रही थी। जान अपने दौरे पर था, वह अपने न्यूज़पेपर और ब्रोशर डिलीवर कर रहा था।
जान को लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर जब वह पीछे मुड़कर देखता तो उसे कोई नज़र नहीं आता। जान काफ़ी कोशिश कर रहा था कि वह खुद को शांत रखे, मगर वह खुद को घबराने से नहीं रोक पा रहा था। जान सोच रहा था, मेरी डिलीवरी बहन को भी आज ही सर्विस स्टूडियो जाना था और मुझे यह गाड़ी लेकर घूमना पड़ रहा है। जान जैसे ही अगली गली में मुड़ा, डर के कारण उसका कलेजा मुँह को आ गया। एक बहुत बड़ी सड़क थी जहां रोशनी भी कहीं कहीं नज़र आ रही थी। अंधेरा इतना था कि वह खुद को भी नहीं देख पा रहा था। जान सोचने लगा, मैं आज नहीं मरना चाहता, कल म्यूजियम में और भी कला आकृति आने वाली हैं और मैं उन्हें देखना चाहता हूं। और वह डरता हुआ भी अपना कार्य करना जारी रखता है। दोस्तों, इन दो चैप्टर में ओथन ने साउजन की मजबूरी, डर और परेशानी का पूरा विवरण लिखा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आप जानना चाहते हो कि इस लंबे रास्ते पर साउजन के साथ क्या हुआ, उसकी किस्मत ने कब कब उसका साथ छोड़ा, तो मैं आपके साथ इस पार्ट को पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इस पार्ट को शॉर्ट में एक्सप्लेन करके सीधा टॉपिक पर आऊँ, तो मुझे कमेंट करके बताएँ कि आप क्या चाहते हैं। धन्यवाद। बाय।